silence. What frightens you? Situation that frightens you. Do you love me? जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। मूवी में हमें कोई और स्टोरी सुना रहा होता है और वो नैरेटर दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है, ही और शी करके। यानी वो दोनों एक कपल होते हैं, फीमेल को वो शी कहता है और ऑब्वियसली मेल को ही। वो हमें बताता है कि एक मैरिड कपल होता है और उनका 1.5 साल का एक बेटा था। लेकिन एक दिन ना जाने क्या हुआ कि उनके बेटे ने खिड़की से बाहर जंप लगा दी, जिसकी वजह से वो बेचारा बच्चा मारा गया। ये कपल उस वक्त कहीं बिजी था और जब बच्चे की मदर को ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा खिड़की से बाहर गिर के मर गया और मुझे पता तक नहीं चला। उसका हस्बैंड भी इस बात से काफी सैड था, लेकिन वो अपनी बीवी को हौसला देता है कि खुद पर काबू रखो। लेकिन वो औरत इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि उसका कंट्रोल खुद पर जरा सा भी नहीं रहता। वो अपने बेबी को बहुत मिस करती थी, हर वक्त उसे वही टाइम याद आता रहता था कि वो अपने बेबी को बचा नहीं सकी। वो औरत अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। उसका हस्बैंड एक थेरेपिस्ट भी था तो वो अपनी बीवी का काफी ख्याल रखता है, उसकी थेरेपी क्लासेस लेता है। लेकिन इन सब चीजों से उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन डॉक्टर्स भी उस आदमी को कह चुके थे कि आपकी बीवी पर किसी चीज का कोई असर नहीं होने वाला और आप भी इनके थेरेपी क्लासेस लेना छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इनको किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं सब देख लूंगा। फिर एक दिन वो अपनी बीवी की थेरेपी क्लासेस लेने लगता है। उसमें वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। अब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को जंगल से डर लगता है, यानी सुनसान अंधेरे और गहरे जंगल से जहाँ पर बहुत सारे घने दरख्त हों। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी बीवी को इस जंगल में लेकर जाऊंगा ताकि उसका डर खत्म हो और वो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सके, इसको खत्म कर सके। अब वो लोग अपनी जरूरी चीजें रखते हैं और वो आदमी अपनी बीवी को उस फॉरेस्ट में ले आता है। उसी जंगल के अंदर एक पुराना सा घर भी था जहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। दरअसल उस आदमी का ये प्लान था कि हम साथ साथ इस घर में रहेंगे, मैं इसका डर भी खत्म करूंगा और इसकी थेरेपी क्लासेस भी लूंगा। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं होता क्योंकि उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो डर से और पागल होती जा रही थी। वो इन सब चीजों से थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को काफी फोर्स करती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन उसका हस्बैंड कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी को ठीक करना चाहता था। अब उसकी डिप्रेस्ड वाइफ को एक ख्याल आता है कि अगर मैं एक्टिंग करूंगी, ये ड्रामा करूंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझ पर से क्लासेस हटा दे और मुझे यहाँ से वापस घर ले जाए। तो वो ऐसा ही करती है। वो शो करती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो बाद में अपने बेटे का भी जिक्र नहीं किया करती थी, ये शो करवाने के लिए कि उसने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो सब कुछ भूल चुकी है और ये कि वो नई जिंदगी में स्टेप इन करना चाहती है। लेकिन उसका हस्बैंड जानता था कि ये ऐसा सब क्यों कर रही है। लेकिन अब मसला बढ़ता जा रहा था। जितना उसका हस्बैंड उसे ठीक करने की कोशिश करता, वो और डिप्रेशन में चली जाती और अब तो वो ज्यादा डरने लगी थी इस जंगल से। तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उसे समझाता है कि देखो डरो नहीं, आओ मैं तुम्हें बाहर एक दरख्त के पास लेकर जाता हूँ। और हम देखते हैं कि जब वो लोग बाहर दरख्त के पास जाते हैं तो उस दरख्त में से काफी ज्यादा औरतों के हाथ बाहर निकलते हैं। ये सीन काफी क्रीपी लग रहा था कि औरतों के हाथ आए कहाँ से, लेकिन इस बात को वो दोनों फील ही नहीं करते। अब इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आए रोज इनका सामना अजीबोगरीब जानवरों से होता रहता है या अजीबोगरीब हैपनिंग्स होने लगती हैं उधर। अब उस औरत का कंट्रोल तो बस खत्म हो चुका था, वो यहाँ से भागना चाहती थी। तो वो अपने हस्बैंड पर एक दिन अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ। वो उसे काफी चोट पहुंचाती है और उसकी टांग में ड्रिल मशीन से होल कर देती है और साथ एक पत्थर अटैच कर देती है। जब उसके हस्बैंड का होश आता है तो वो दर्द से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उससे हिला तक नहीं जा रहा था। उसकी नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है तो वो उससे कहता है कि क्या कर रही हो, मुझे आजाद करो। तो वो कहती है नहीं, कभी आजाद नहीं करूंगी, तुमने मुझे यहाँ से क्यों नहीं भेजा, तुम मेरे साथ जुल्म करते आ रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ। अपने बेबी को याद करना नॉर्मल बात होती है, कैसे बुलाया जा सकता है। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। अब उसका हस्बैंड जैसे तैसे करके खुद को आजाद करवा ही लेता है, जिसमें उसका काफी ब्लड लॉस होता है। वो समझ चुका था कि मेरी बीवी बिल्कुल पागल हो चुकी है, तो वो जाकर उसका गला दबा देता है और फिर उसके बाद उसे चला देता है कि अगर मैंने इसको ठीक ना किया
तो ये आसपास के लिए खतरा बन सकती है या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे इसने मुझे और खुद को पहुंचाया। और जैसे ही वो अपनी बीवी को आग लगा के हटता है तो तभी वहाँ पर काफी ज्यादा औरतें आ जाती हैं जिनके फेस नहीं थे। वो औरतें काफी क्रीपी थीं। और इसी के साथ फिर हमें कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं। जाहिर है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उस औरत का डर इस जंगल से क्यों जुड़ा हुआ था, तो आपको ये पता चलेगा अब कि इसके पीछे रीजन क्या थी। इनफैक्ट जब इन दोनों का बेटा काफी छोटा था तो ये औरत अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी। इसको इस घर में, इस जंगल में कुछ काम था। उसे कोई थ्योरी लिखने का काम दिया गया था जिसके लिए उसने ये जंगल चूज किया था। लेकिन ये जंगल कोई नॉर्मल जंगल नहीं था। यहाँ पर एविल्स रहा करते थे क्योंकि यहाँ पे एक इविल चर्च था। अब जाहिर है जब इस जंगल में इविल्स का राज था तो इस जंगल में मौजूद हर चीज इविल से कनेक्टेड थी। जिस रूम में वो छोटा बच्चा रहता था उसके रूम में तीन छोटे छोटे स्टैचूज थे। एक पर पेन लिखा हुआ था, एक पर ग्रीफ और एक पर डिस्पेयर यानी दर्द, दुख और ना उम्मीदी यानी होपलेसनेस। आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि जब शैतान को याद किया जाए या इविल बातें बोली जाएं तो शैतान अट्रैक्ट होता है। उस बच्चे की मदर भी जिस चीज पर थ्योरी लिख रही थी वो भी कुछ ऐसी ही चीजें थी। और साथ ही साथ उस बच्चे के रूम में ऐसे स्टैचूज रखना और ऐसे वर्ड्स उसके आसपास बोले जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, और इसी वजह से इविल इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बच्चे की मदर जिस टॉपिक पे थ्योरी लिख रही थी वो बेसिकली बड़ा अजीब सा टॉपिक था। बताया तो उसमें सच भी क्या था कि पुराने जमाने में औरतों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें बुरा कहा जाता था, विक्ट कहा जाता था। उन्हें समझा जाता था कि ये विचेस हैं और ये काला जादू करती हैं। हालांकि उस जमाने में मर्द भी काला जादू किया करते थे, स्टिल वुमेन को, औरतों को टारगेट किया जाता था। उसको ये काम दिया गया था कि जिन जिन औरतों को इस वजह से मारा गया उन पर ब्लेम करके उनका पता लगाया जाए कि उसके पीछे क्या वाकई यही रीजन थी और उसकी नजर में ये ठीक है या गलत। तो उस औरत ने वहाँ पर बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दी और काफी रिसर्च की, जिससे उसे पता चला कि हाँ, औरतों को इस वजह से मारा गया था। और कुछ बेचारी औरतों ने अपने ऊपर इल्जाम सह सह के सुसाइड भी कर ली थी। और इसी सब रिसर्च के दौरान जब उसने औरतों का साथ देना शुरू किया और वहाँ के एविल्स ने जब ये फील किया कि ये औरत यहाँ पर अकेली है तो उन्होंने इसको अपना निशाना बना लिया। और ये औरत असल में अपने बेटे की डेथ के बाद पागल नहीं हुई थी, बल्कि ये उसी दौरान अपनी रिसर्च के दौरान उन एविल के शिकार में आ चुकी थी जिन्होंने इसे पोजेस कर लिया था। यह आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाती जा रही थी और खुद भी एक इविल बन चुकी थी, एक विच बन चुकी थी। और स्टार्टिंग में हमें ये तो दिखाया ही नहीं गया कि अपने शौहर के साथ भी बदतमीजी किया करती थी। इसके पीछे सारा का सारा हाथ इविल्स का था। ये मूवी बेसिकली छोटे छोटे ट्रुथ्स को रिवील करती है, सच बताती है कि इविल्स हमेशा इंसानों पर नजर रखे होते हैं, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस चीज पर वो औरत रिसर्च कर रही थी इविल्स उसको वही फील कराते थे कि जैसे सारी औरतें बुरी थीं, विचेस थीं, तो तुम्हें इस बात का गिल्ट होना चाहिए। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों पर गुस्सा किया करती थी क्योंकि वो इससे काफी डिप्रेस हो गई थी। अब जब ये सब हो गया, इविल्स ने इस औरत पर अटैक कर दिया तो वो गई इसके हस्बैंड की तरफ। उसके जहन में ये बात लाई गई कि तुम अपनी बीवी को चला दो क्योंकि अब ये एक इविल वुमन बन चुकी है और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और उस आदमी ने ऐसा ही किया। और पता है मूवी के एंड में वो औरतें क्यों आई थीं जिनके फेसेस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? दरअसल ये वही औरतें थीं जिन्हें पुराने जमाने में बुरा कहकर, विचेस कहकर चला दिया गया था। और जब इस आदमी ने उस औरत को चलाया, अपनी बीवी को चलाया, तो ये सब फेसलेस औरतें वहाँ पर आ गईं उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, जो कि अब उसी जंगल में रहा करती थीं। और अब वो जंगल कर्स्ड बन चुका था क्योंकि उसी जंगल में ये सारे जुल्म होते आ रहे थे। तभी तो वहाँ पर जानवर भी अजीबोगरीब लगते थे, हर चीज अजीब लगती थी। इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे जिस चीज को बुरा कहा जाए या किसी पर ब्लेम लगाया जाए, इल्जाम लगाया जाए, तो उसका एंड अच्छा नहीं निकलता। इंसान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इंसान ही क्या, पूरी दुनिया उसकी वजह से तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थी तो ये शॉर्ट सी मूवी, लेकिन जो ये हमें लेसन देती है वो काफी बड़े बड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।